स्टूडेंट, मैं रुद्रेश तिवारी, HOD फिजिक्स निशान क्लासेस कोटा। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आधुनिक भौतिकी से जुड़े हुए जो चैप्टर हैं उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगों का हमने लेक्चर 1 पढ़ा था। आज हम उसी से जुड़े हुए लेक्चर 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा और उसको समझाने के सिद्धांत और उसके साथ ही हमने डेविसन जर्मर प्रयोग की व्याख्या की थी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आइंस्टीन समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और इसी में तीसरा सेगमेंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डे ब्रोगली परिकल्पना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर 2 में, जिसके बारे में हम आइंस्टीन समीकरण की व्याख्या करेंगे। आइंस्टीन समीकरण जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव से जुड़ी हुई समीकरण है। इसमें ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना होती है और इस समीकरण के अंतर्गत ये बताया गया कि जब भी किसी धातु सतह पर एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश गिरेगा तो वो दो भागों में विभाजित होता है। ऊर्जा का दो विभाजन, कार्यफलन और मैक्सिमम गतिज ऊर्जा, जिसे अधिकतम गतिज ऊर्जा भी हम कहते हैं। कार्यफलन को वर्क फंक्शन कहा जाता है। ये ऊर्जा का वो अधिकतम मान है जिससे इलेक्ट्रॉन को परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर तक ले जाने के लिए आवश्यक कार्य ऊर्जा, उसको हम कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई नोट या डब्ल्यू नोट से दर्शाया जाता है। इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और दूसरा जो इसका भाग बना वो बना अधिकतम गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन जो धातु की सतह से उत्सर्जित हो चुका है वो इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा के अधिकतम गतिज ऊर्जा के जिस मान से गतिज ऊर्जा के जिस अधिकतम मान से इलेक्ट्रॉन आगे गति करते हैं उसे हम अधिकतम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे ई के मैक्सिमम से दर्शाया जाता है और इसकी एनर्जी की जो यूनिट है वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आइंस्टीन के अनुसार ये बताया गया कि जो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन आपतित हो रहे हैं उनकी ऊर्जा एच न्यू कहलाती है और उसका दो पार्ट में विभाजन हुआ, एक वर्क फंक्शन कार्यफलन और अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के मैक्सिमम के रूप में। इन दोनों का योग कुल ऊर्जा के बराबर होता है। ऊर्जा को एच न्यू से दर्शाते हैं, कार्यफलन को फाई नोट से दर्शाएंगे और अधिकतम गतिज ऊर्जा को ई के मैक्सिमम से दर्शाएंगे। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो एच न्यू कुल ऊर्जा के बराबर होना चाहिए, अर्थात आइंस्टीन समीकरण में ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आइंस्टीन समीकरण किससे संबंधित थी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित थी और इसमें ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना हुई। इसके अनुसार आगे जब गणितीय विश्लेषण किया गया तो अधिकतम गतिज ऊर्जा को आवेश इंटू विभव ई इंटू वी नोट के रूप में लिखा जाता है, जहां वी नोट को हम कहते हैं निरोधी विभव, जो हम इसके पहले वाले लेक्चर L1 में पढ़ चुके हैं। जो हमने इसके पहले वाला लेक्चर वीडियो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने निरोधी विभव को समझाया था। निरोधी विभव होता क्या है? एनोड विभव का वो ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए उसे हम एनोड विभव का ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए उसे निरोधी विभव कहते हैं, इसे वोल्ट में मापते हैं। इसी प्रकार से हम अधिकतम गतिज ऊर्जा को ई वी नोट कह सकते हैं जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, और ऊर्जा को एच न्यू लिखा और कार्यफलन को एच न्यू नोट कहते हैं, जो दैनिक आवृत्ति न्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं हम दैनिक आवृत्ति को। इसका जब ग्राफ खींचा गया तो एक सरल रेखा के रूप में इसका ग्राफ प्राप्त हुआ। इसका कंपैरिजन जो समीकरण प्राप्त हुई इसका कंपैरिजन y = mx - c से करने पर हमें कह सकते हैं आइंस्टीन समीकरण सरल रेखा की समीकरण के रूप में प्राप्त होती है। इसका ढाल m = tan θ = h/e है। हम इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल जो हम अपने बुकलेट में और आपको जो निशान क्लासेस का ऐप है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में हमने DPP के फॉर्म में डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको निशान क्लासेस के ऐप से। तो हम जब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो हमें पता लगा कि ये एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल m = tan θ = h/e होता है। इसके सहायता से हम प्लांक नियतांक h की गणना कर सकते हैं। अगर tan थीटा को e से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम प्लांक नियतांक की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसमें प्लांक नियतांक का मान 6.62 × 10⁻³⁴ J/s होता है, जो मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बताया था आपको। तो आइंस्टीन समीकरण एक प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने वाली समीकरण बनी जो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित थी और उसी का अगर ग्राफी निरूपण बोर्ड में पूछा जाता है तो सरल रेखा के रूप में जो हमने बना रखा है बोर्ड पे उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी कण के लिए संवेग और स्थिति दोनों का एक साथ यथार्थ मापन संभव नहीं है। यदि किसी एक पद का
जैसे संवेग का आपने यथार्थ मापन किया तो उसकी त्रुटि जीरो हो जाएगी, तो स्थिति में परिवर्तन का मान अनंत हो जाएगा। तो इनके कहने का मतलब था कि किसी भी कण के लिए संवेग और स्थिति दोनों का एक साथ यथार्थ मापन संभव नहीं है। इसे गणितीय रूप में जो प्रदर्शित किया गया डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू एच अपॉन 4π से ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल हो सकती है, और इसी को गुणनफल के रूप में हम अन्य रूपों में लिख सकते हैं, जिसमें ऊर्जा और समय के रूप में और कोणीय संवेग और कोणीय स्थिति के रूप में हम लिख सकते हैं। हमने देखा कि ये जो ऊर्जा संवेग और स्थिति का जो गुणनफल है वो एच अपॉन 4π से बड़ा या बराबर हो सकता है। दूसरे पद के रूप में ऊर्जा में परिवर्तन और समय में परिवर्तन के गुणनफल का मान एच अपॉन 4π से बड़ा या बराबर हो सकता है, और तीसरा कोणीय संवेग में परिवर्तन और कोणीय स्थिति में परिवर्तन के गुणनफल का मान एच अपॉन 4π के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है। ये तीनों पद हम क्यों लेते हैं? क्योंकि कंपटीशन लेवल में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो उपरोक्त सभी सही माने जाते हैं तीनों ऑप्शन। तो मैक्सिमम 12th बोर्ड के हिसाब से तो ज़्यादातर काम आएगा कि संवेग और स्थिति वाला, और IIT नीट के अगर क्वेश्चन अपन कर रहे हैं तो ये तीनों स्थितियाँ आपको पता होनी चाहिए कि हम उपरोक्त सभी को सही करें वहाँ पर, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आता है तो। नेक्स्ट थिंग कि संवेग में परिवर्तन अगर दे रखा हो, स्थिति में परिवर्तन हम न्यूमेरिकल में निकाल सकते हैं क्या? तो हम निकाल सकते हैं कि H की वैल्यू फिक्स होती है 6.62 × 10⁻³⁴ अपॉन 4π, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 लिख सकते हैं, उसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे तो डेल्टा पी को यहाँ रहने दें, डेल्टा एक्स की गणना कर सकते हैं। डेल्टा एक्स अगर दिया हुआ हो तो हम यहाँ से संवेग की गणना कर सकते हैं, और संवेग भी नहीं दे रखा हो तो द्रव्यमान और वेग के रूप में हम न्यूमेरिकल को आगे सोल्व कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ये कहता है, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, कि संवेग और स्थिति दोनों का एक साथ यथार्थ मापन संभव नहीं है। यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या है। गणितीय रूप में अगर पूछा जाता है तो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स का गुणनफल एच अपॉन 4π से बड़ा होना चाहिए या बराबर हो सकता है, इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहा गया। बोर्ड में जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा, उसको आप वैल्यू रख के, और एच की वैल्यू आपको जरूर याद रखनी है, प्लैंक नियतांक एच इज इक्वल टू 6.62 × 10⁻³⁴ J/s इसकी वैल्यू है। हम इसी सेगमेंट में जो आधुनिक भौतिकी का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे, द्रव्य तरंगे, द्रव्य और द्रव दोनों में डिफरेंस है। द्रव्य के बारे में अगर हम कहते हैं तो जिसमें हमें कहें कि ठोस द्रव और गैस के बारे में जानकारी हो, अवस्थाएं ठोस द्रव गैस और इनके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो जो 11th में हमने भौतिक विज्ञान के जो लेक्चर पढ़े उनमें हम उसके ज़्यादा व्याख्या कर चुके हैं। अभी वर्तमान में हम जो पढ़ रहे हैं वो द्रव्य तरंगों के बारे में जुड़ी हुई परिकल्पना हम पढ़ रहे हैं। इससे जुड़ी हुई परिकल्पना डी ब्रोगली या दे ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने 1924 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की। परिकल्पना जो काल्पनिक पद से जुड़ी हुई रहती है उसे हम परिकल्पना नाम देते हैं। उनके अनुसार कोई भी द्रव्य कण और तरंग दोनों की प्रकृति दर्शाता है, और इसीलिए इसे द्वैत प्रकृति नाम दिया उन्होंने। डी ब्रोगली या दे ब्रोगली के अनुसार कण की और तरंग दोनों की प्रॉपर्टीज कोई भी द्रव्य शो कर सकता है या दर्शा सकता है, उसे द्वैत प्रकृति भी हम कहते हैं, जिसे ड्यूअल नेचर इंग्लिश में कहा जाता है। इनके अनुसार लेमडा इजुकस टू एच अपॉन पी एक डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समीकरण प्रस्तुत किया। इसको संबंध को प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने दो अलग अलग सिद्धांत काम में लिए, एक आइंस्टीन समीकरण E=mc² और एक प्लांक नियतांक जिसमें एनर्जी की वैल्यू E=hc/λ। दोनों को कंपेयर करके और उन्होंने तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला है λ=h/p को संबंधित किया, और उन्होंने कहा कि λ=h/p को सिद्ध करने पर लेमडा यहाँ तरंग दैर्ध्य है, एच प्लांक नियतांक है और पी एक संवेग के रूप में लिखा हुआ पद है। सिद्ध करने के तरीके कैसे हैं? दो अलग अलग स्टेटमेंट लें E=mc² और उसको E=hc/λ की वैल्यू को इक्वल करेंगे और हम इससे एक स्टेप बनाएंगे λ=h/p। यहाँ पर संवेग और ऊर्जा के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, तो λ=hc/p को एनर्जी के रूप में लिखा E के, जिसे काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको आगे जाके आवेश इंटू विभव के रूप में लिखा जा सकता है, आवेश इंटू विभव के रूप में फॉर्मूला लिख दिया। फिर डी ब्रोगली ने विभिन्न कणों के लिए इस व्यंजक को आगे बढ़ाया, जिसे तरंग दैर्ध्य समीकरण के रूप में पढ़े।
तो हम अगर आगे पढ़ते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और न्यूट्रॉन, इन चारों कणों से जुड़े हुए न्यूमेरिकल आगे घूम फिर के बोर्ड में भी आते हैं और कंपटीशन लेवल में भी आते हैं। तो इससे जुड़े हुए पद के रूप में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी की वैल्यू एनर्जी की फॉर्म में, और एनर्जी को भी चार्ज इंटू वोल्टेज की फॉर्म में ई के इज इक्वल टू क्यू वी लिखा जा सकता है। तो इनडायरेक्टली आप इसे एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और क्यू इंटू वी के रूप में भी लिख सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी कैलकुलेशन की गई डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए, वेवलेंथ जिसे हम इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा ई निकालने के लिए 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम के रूप में इसकी वैल्यू हमें मिलती है। यहाँ वी विभवांतर है जिसे पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं इंग्लिश में, और मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में वो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि इसमें यदि वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट दी हुई है तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो वी वेरिएबल है इसलिए हम वेरिएबल वैल्यू को पुट करेंगे 100 वोल्ट। इसको सोल्व करने पर अंडर रूट 100 12.27 डिवाइड बाई 10 1.227 एंगस्ट्रॉम के रूप में लैम्डा इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। और ये 2-3 टाइम्स सेम यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला जो पार्टिकल इन्होंने लिया इलेक्ट्रॉन के बाद में वो लिया प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल होता है। प्रोटॉन की वैल्यू को सोल्व करने के लिए जब प्रोटॉन का मास मतलब द्रव्यमान और इसमें चार्ज की वैल्यू रखी गई, मास प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10^-27 किलोग्राम, न्यूट्रॉन का अगर मास पूछे द्रव्यमान पूछे तो 1.675 इंटू 10^-27 kg, इनकी वैल्यू को जब पुट किया गया इसमें तो लैम्डा प्रोटॉन की वैल्यू हमें जो कैलकुलेशन के बाद में जो प्राप्त होगी 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में प्राप्त होगी। नेक्स्ट पार्टिकल जो लिया गया उसमें बोला गया अल्फा कण के लिए, अल्फा कण धन आवेशित हीलियम नाभिक को कहते हैं, प्लस 2He4 को इन्होंने अल्फा पार्टिकल नाम दिया। अल्फा पार्टिकल के लिए मास और चार्ज अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन का 2 times होता है मतलब दुगुना होता है, और मास जो है प्रोटॉन का 4 times होता है। अल्फा कण 2He4 है, अगर मास कैलकुलेट करना है तो प्रोटॉन का 4 times मतलब 4 times, और आवेश अगर निकालना है चार्ज तो अपने को इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना करना है। मास, द्रव्यमान और चार्ज आवेश दोनों की गणना रखने पर, मान रखने पर गणना प्राप्त की तो 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम के रूप में अल्फा कण के लिए वैल्यू प्राप्त होती है, जिसे हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसके लिए अल्फा कण के लिए बात करें। तो 3 particles हमने पढ़े। इलेक्ट्रॉन के लिए डाटा याद होने चाहिए 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, प्रोटॉन के लिए 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, और अल्फा पार्टिकल के लिए 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में। फिर फर्दर हमने एक 4th particle जो देखा न्यूट्रॉन, जिसे न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं या उदासीन कण कहते हैं, इसके लिए जब भी हम कैलकुलेशन करें डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की तो ध्यान से करें, क्योंकि इसमें चार्ज वाली वैल्यू नहीं आती, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल पार्टिकल है मतलब उदासीन कणों ने की वजह से आवेश उसका 0 है, अतः हम आवेश वाली वैल्यू काम में नहीं ले सकते। अतः इसमें काइनेटिक एनर्जी और जो वैल्यू काम में लेंगे वो वोल्टेजमान कांस्टेंट की और टेम्परेचर के फॉर्म में। तो नॉर्मली जब कैलकुलेशन की गई, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ते हैं वो 11th physics में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जिसे अणुगति सिद्धांत वाला चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें स्वतंत्रता की कोटि के आधार पर एनर्जी निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू को पुट करने पर हमें जो कांस्टेंट है वोल्टेजमान कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 × 10^-23 ये वैल्यू पुट करेंगे 25.2 अपॉन अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में। एक बार फिर रिमेंबर रखें, यह याद रखें कि यहां पर न्यूट्रॉन के लिए वोल्टेज वाली वैल्यू काम में नहीं लेनी, आपको टेम्परेचर वाली मतलब टी टेम्परेचर तापमान के रूप में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी है एंगस्ट्रॉम में। और मैक्सिमम अगर वैल्यू अगर अपन बात करें न्यूट्रॉन के लिए, तो इसके लिए हम जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो लैम्डा न्यूट्रॉन की वैल्यू जो फाइंड आउट की 30.8 अपॉन अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में। इट मींस न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन जब भी आप बोर्ड में या कंपटीशन लेवल में अगर करेंगे तो वहां पर वोल्टेज की फॉर्म में कभी भी न्यूमेरिकल सोल्व आपको
नहीं करना है। मैक्सिमम टाइम जब सोल्व करें तो टेम्परेचर की फॉर्म में, और टेम्परेचर भी जानबूझकर सेल्सियस में देते हैं न्यूमेरिकल में, तो आप उसको +273 ऐड करके, और इससे पहले आप केल्विन में चेंज करेंगे और फिर केल्विन में चेंज करके इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो जो आज हमने प्रकाश विद्युत प्रवाह और द्रव्य तरंगों का जो दूसरा वीडियो लेक्चर पढ़ा, उस वीडियो लेक्चर में हमने जो L1 वाला जो वीडियो लेक्चर था, पहला लेक्चर, उसके आगे की वैल्यू को या आगे की थ्योरी को आगे बढ़ाया। इसमें हमने आज इस वीडियो लेक्चर में हमने आज जो पढ़ा आइंस्टीन्स इक्वेशंस, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव से जुड़ी हुई आइंस्टीन समीकरण को कंप्लीट किया, आइंस्टीन समीकरण ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित बताई गई, और इसका अगर ग्राफ पूछे बोर्ड में तो इसका ग्राफ इस तरह से आप बनाएंगे। सेकेंड टॉपिक हमने आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसमें हमने संवेग और स्थिति, ऊर्जा और समय, और कोणीय संवेग और कोणीय स्थिति में गुणनफल को h/4π के बराबर या उससे बड़ी वैल्यू को गणितीय रूप में हमने पढ़ा। थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा डी ब्रोगली परिकल्पना। डी ब्रोगली परिकल्पना भी लिखा होता है, इसको हम द्वैत प्रकृति के रूप में पढ़ते हैं, और इससे जुड़ी हुई बात गणितीय रूप में लिखेंगे तो गणितीय रूप में ये λ = h/p, और इससे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल जो हमने सोल्व किए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 12.27/√V, प्रोटॉन के लिए 0.286/√V, और अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली 2He4 हीलियम नाभिक जिसे हम कहते हैं, उसके लिए कैलकुलेशन की तो 0.101/√V एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में, और न्यूट्रॉन के लिए जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो वोल्टेज की फॉर्म में ना आकर टेम्परेचर T = temperature ताप के रूप में गणना करनी है। निशान क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें निशान क्लासेस का ऐप जो बना हुआ है, उस निशान क्लासेस के ऐप में भी स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में, ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया अभी, ये जो बोर्ड के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का चैप्टर है, ये निशान क्लासेस के ऐप में PDF फॉर्म में विद एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप निशान क्लासेस कोटा का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप उससे कर सकते हैं, और आगे भी हम आगे इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेज या वीडियो क्लासेज आपकी मिलती रहेंगी। तो थैंक यू।